तो नमस्कार आदाब सत शिकाल सभी लोगों को आप सभी का स्वागत है महेंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एंड मैं राजीव महेंद्रा आप सभी का वेलकम करता हूं गुड इवनिंग टू ऑल द मम्बर गुड इवनिंग सभी लोगों को शुभ संध्या राधे राधे जल्दी से मुझे बता दो बता दो जरा जल्दी से कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं। कि नहीं क्योंकि हो सकता है आज मैं दिखाई ना दूँ आप लोगों को मुझे जरा जल्दी से बता दो सभी लोग कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं जल्दी से मुझे बता दो सारे मेम्बर एवरीबडी मेक मी कंफर्म कि मेरा साउंड ओके okay है कि नहीं एंड आरोही बेटा गुड इवनिंग निति सिन्हा गुड इवनिंग कुंदन सिंह गुड इवनिंग बेटा सभी लोगों को गुड इवनिंग शुभ संध्या मुझे बता दो जल्दी से कि आवाज साउंड ओके है कि नहीं ऑडिबल ओके थैंक यू तो भाई आप सभी का आगाज है आप सभी को शुभ संध्या और आज के क्वेश्चन जो बहुत ही प्यारे हैं आज करीब फोर्टी क्वेश्चन हैं और आज रैपिड फायर होगा स्टैटिक का आज तैयार रहो सभी लोग आज पूरा रैपिड फायर लेके मैं आया हूँ ठीक है तो खासकर आपके लिए बड़ा अच्छा सा आज का मोटिवेशन कोट है कहते हैं मेहनत वो है जो ज़बरदस्त हो जबरदस्ती नहीं मीन्स मेहनत हम उसे कहते हैं जो बड़ी शानदार हो कर रहे हो तो एकदम तावर तोड़ कर रहे हो ये नहीं कि जबरदस्ती कोई करवा रहा हो है ना तो लाइफ में हमेशा मेहनत करो तो एकदम एकदम ऐसा करो कि मतलब हिल जाए दुनिया समझ रहे हैं एवरी तो मेहनत वो है जो ज़बरदस्त हो जबरदस्ती नहीं करनी है तो ओके तो आई होप सभी लोग को मेरे साथ सहमत होंगे और हैश टैग सलेक्शन ट्वेंटी वन लिख के मुझे बताओ यस आप सभी लोग रेडी हो जल्दी से एक बार लिंक को कॉपी करो जहाँ जहाँ तक हो सके जहाँ जहाँ तक हो सके एक बार बेटा सभी लोग जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दो ओके ओके okay, चलो तो स्टार्ट करते हैं और याद रखना आज का पहला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा शानदार है घबराना नहीं टू एवरी वन ठीक है और याद रखना आज करीब फोर्टी क्वेश्चन हैं कितने क्वेश्चन हैं डियर एवरीबडी फोर्टी क्वेश्चन हैं और आज मुझे पता चलना है लास्ट में कि आज का शेर कौन है आज का बाहुबली पता करेंगे टोटल फोर्टी फोर्टी क्वेश्चन आज हैं और एकदम आज तावर तौर बैटिंग होगी ठीक है चलो ये रहा बहुत ही आसान क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की एकदम आसान अगर ये गलत हुआ तो पता नहीं क्या होगा ओके विच इज इंडिया नेशनल गेम बहुत इस पर विवाद भी है इंडिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है कबड्डी चेस हॉकी या क्रिकेट भारत के राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है मुझे बताओ जरा जल्दी से भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है कबड्डी चेस हॉकी या क्रिकेट मुझे साथ में ये भी बता देना कि हमारे देश में स्पोर्ट्स डे हम लोग कम मनाते हैं हमारे देश में मुझे बता देना जल्दी से कि जो स्पोर्ट्स डे मनाते हैं वो कम मनाते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआती है रैपिड फायर ये क्वेश्चन शायद ही कोई गलत करेगा जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद ही कोई बेटा गलत करेगा गुड बिल्कुल सही जवाब और याद रखना ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त को ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त को याद रखेगा हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं ध्यानचंद की याद में क्योंकि उन दिन उनका बर्थडे है तो मुझे बताएगा कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हम लोग कितने गोल से जीते हैं इंडियन हॉकी टीम मुझे बताओ सो so फार अब तक हम लोग सबसे ज्यादा गोल से कितने बार कौन सा मैच जीते हैं तो याद रखना कहते हैं द बिगेस्ट विक्ट्री इन ओलंपिक हॉकी मैच इज ट्वेंटी फोर बाई वन समझ रहे हैं इंडिया विक्ट्री ओवर यूएसए जो कि खेला गया था कब 1934 थर्टी टू में जरा सोचो 24 गोल हमने दागे उन्होंने सिर्फ एक गो, गोल दागा दिस इज द बिगेस्ट ओलंपिक हॉकी मैच कहा जाता है ठीक है यस बेटा नाइस टू एवरीबडी चलो अगला चलते हैं वॉट इज द सेप ऑफ द अर्थ का सेप कैसा है ऑब्लेट स्पेर ट्रू ओवल या राउंड कैसा है वेरी नाइस श्रीधर वेरी नाइस धनवीत श्रीधर वेरी गुड बहुत ही शानदार वेरी गुड नाइस बहुत ही शानदार वॉट इज द शेप ऑफ द अर्थ वेरी नाइस सभी लोग ए पे जा रहे हैं तो आंसर भी ए होना चाहिए याद रखना ऐसे सेप होता है ऑबलेट स्पेर के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला दुनिया का सबसे बिगेस्ट अगर कोई हॉट डिजर्ट है गर्म मरुस्थल, तो वो कहां पर है मुझे बताओ जल्दी से दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है सहारा है गोभी है ऑस्ट्रेलिया है या थार है मुझे बताओ बिगेस्ट हॉट डेजर्ट बहुत ही शानदार वेरी नाइस वेरी गुड बहुत ही शानदार यस बेटा, इंडिया का थार है निखिल नाइस गुड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही लोगों का सही है याद रखना सबसे बड़ा सहारा है ठीक है जिसका सरफेस एरिया करीब 3.5 मिलियन में है उसके बाद दूसरा आता है अरेबियन का नाम और तीसरे में याद रखना आता है गोभी जो बेसिकली कोल्ड विंटर का है जो पांच लाख उसमें है मिलियन में ठीक है विच इज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है मुझे बताओ दुनिया में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री करती है दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन याद होगा बहुत लोग लग रहा होगा इंडिया बहुत लोग को लग रहा होगा इंडिया बट याद रखना चाइना वन पर है चाइना वन पर है और याद रखना इंडिया टू पर है यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर चाय का कहीं होता है तो वो चाइना करती है ओके यह क्वेश्चन बारह ही प्याला रीजनिंग वाला है वॉट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय सन अर्थ कहते हैं सूर्य की किरण अर्थ तक आने में कितना समय लगता है सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना औसतम समय लिया जाता है चार सौ सेकेंड्स चार सौ पचास सेकेंड्स छः सौ सेकेंड्स या पांच सौ सेकेंड्स मुझे बताओ हाँ, प्रिया ने कहा चाइना से चाय नाइस यार एक बार दबा के सेशन को शेयर भी कर दो सभी लोग है ना क्योंकि बस वीक में दो ही बार आता हूं मंडे और थर्सडे और आज है कौन सा दिन वेरी नाइस nice. बहुत ही शानदार तो आज मंडे है गुड इवनिंग बेटा संतोष गुड इवनिंग यह क्वेश्चन मुझे देखना है किसका गलत होता है यह क्वेश्चन मुझे देखना है किसका गलत होता है अच्छा बहुत लोग मार रहे हैं चार सौ पचास सेकेंड भाई याद रखना आठ मिनट रट लो भाई कभी कंफ्यूज ना हो आठ मिनट और ट्वेंटी सेकेंड लगता है आने में उसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में तो कितना होगा पांच सौ सेकेंड्स गोटेड थोड़ा सा रीजनिंग खेल दिया क्वेश्चन में ठीक है आंसर हमारा क्या होगा डी इज द राइट आंसर अगला ओके okay. कहते हैं सनलाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सन नीड टू ट्रेवल अक्रॉस द वैक्यूम ऑफ स्पेस टू रीच द आई ओके तो इसमें कितना समय लगता है आठ मिनट ट्वेंटी सेकेंड ओके वेरी नाइस बहुत ही शानदार हु इज द कॉल्ड द नाइट एंगल ऑफ इंडिया भारत की कोकिला किसे कहा जाता है बेटा चंदकेश राणा जी गुड इवनिंग शुभ संध्या जल्दी से आ जाओ भाई सभी लोग आ जाओ जल्दी से आ जाओ आज मैं दिख नहीं रहा हूं मुझे भी और लग रहा बट मेरी आवाज सभी तक एकदम प्रॉपर सुनाई दे रही होगी जहां तक मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज में कहीं कोई डाउट तो नहीं किसी को मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड वेरी नाइस नेम किनको नाइट एंगल्स की उपाधि दी गई थी हमारे देश में और मुझे साथ में यह भी बताओ हमारे देश की सबसे पहली फीमेल गवर्नर कौन थी यही ऑप्शन हैं हमारे देश की सबसे पहली फीमेल गवर्नर कौन थी और हमारे देश में सबसे पहली बार जो नोबेल दिया गया था फीमेल को वो किनको दिया गया था तीन क्वेश्चन हैं सारा very नाइस nice. और पता होगा जो विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन की बहुत सही शानदार अच्छा बहुत ने आंसर दिया आ, मदर टेरेसा बहुत ने आंसर दिया विजयलक्ष्मी पंडित और बहुत ने आंसर दिया इंदिरा गांधी अब जरा समझ लो जल्दी से इसका आंसर क्या है सबसे पहले तो जरा सोचो मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले नोबेल किसको मिला फीमेल को तो याद रखना फर्स्ट फीमेल नोबल मिला मदर टेरेसा जी को ठीक है हमारे देश में सरोजिनी नायडू याद रखना जिनको हम लोग स्वर कोकला से सम्मानित किए हैं ठीक है जिनको हम लोग नाइट एंगल से परिभाषित किए हैं और जो विजयलक्ष्मी पंडित है वो याद रखेगा हमारे देश की पहली फीमेल गवर्नर हुआ करती थी ठीक है वेरी नाइस nice, बहुत ही शानदार गुड रवि गुड बेटा बहुत ही शानदार अगला कहते हैं साउथ का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है विस इट इज कॉल्ड साउथ इंडिया मैनचेस्टर हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई या कोयटूर किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉटन इंडस्ट्री बहुत फेमस होती है ओके वेरी नाइस बहुत ही शानदार तो याद रखना बेटा केरला में कोयमटूर आता है में टूर को याद रखना ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार रेलवे में कि बताओ साउथ का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे और खासकर याद रखना ये जो तो सारे आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना है एस के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूं सी एच एस एल के लिए उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ठीक है बहुत ही आसान सेलफोन का आविष्कार किसने किया सेलफोन का आविष्कार किसने किया मैं फोन नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं सेलफोन का आविष्कार किसने किया तो याद रखना सेलफोन का आविष्कार किया मार्टिन कूपर साहब ने मार्टिन कूपर साहब ने सेल का आविष्कार कर दिया और कौन से ईयर में किया ये मुझे बता दो जल्दी से कौन से ईयर में इसका आविष्कार किया गया बहुत ही शानदार वेरी नाइस बहुत शानदार बिल्कुल सही जवाब द आंसर इज 1984 ओके वेरी गुड बाकी मैं पता नहीं आज अच्छा कहां है वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा ये बहुत बार एग्जाम में आया है बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नेम है वो क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है बहुत ही शानदार तो जरा याद रखना इसका जो साइंटिफिक नाम कहा जाता है केमिकल नेम वो कहते हैं उसको सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहा जाता है बेकिंग सोडा को याद रखना ये गलत मत करना द नेम ऑफ बर्ड सेंचुरी द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी एट भरतपुर यानी कि भरतपुर में जो पक्षी बिहार का नाम इनमें से कौन सा है घाना सेंचुरी घाट प्रभा सेंचुरी दारहा सेंचुरी या बंसोद ग्रह सेंचुरी वॉट इज द नेम ऑफ बर्ड सेंचुरी इन बेटा भरतपुर जो राजस्थान की बात कर रहा हूं याद रखना जो भरतपुर है वो राजस्थान में है बेटा वेरी नाइस nice. जबरदस्त तो याद होगा इसका आंसर हमारा होगा घाना जिसको याद रखना कि वो लाडो घाना पार्क के नाम से भी जानते हैं कंफ्यूज मत होना इसका दूसरा नाम क्या है कि वो लाडो घाना नेशनल पार्क जो कि याद रखिएगा राजस्थान में है ठीक है अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन अक्सर न्यूज में आता है बीएससी के बारे में जो बीएससी का जो सेंसेक्स इंडेक्स है आपको बताना है इसमें कितनी कंपनी है और मुझे जरा साथ में जरा जल्दी बता दो रैपिड फायर मुझे बताओ ज़रा जल्दी से हमारे देश में जो सेबी है उसकी स्थापना कब हुई मुझे बताओ ज़रा जल्दी से जो बी -e है, है उसकी स्थापना कब हुई मुझे बताओ जरा जल्दी से जो एन है उसकी स्थापना कब हुई और मुझे बताओ ज़रा जल्दी से जो निफ्टी है उसमें कितनी कंपनी शामिल है वेरी नाइस nice. तो ज़रा समझना सेबी बन के तैयार हुआ 1988 में लेकिन इसको अधिकार मिला 1992 में ठीक है बी की स्थापना हुई थी 1875 में याद रखिएगा और एन एस बन के तैयार हुआ 1992 में और कहते हैं निफ्टी में इंडिया की जो टॉप फिफ्टी कंपनी है ये उनका इंडेक्स है हमारे देश में याद रखना दो मार्केट हैं एक है मनी मार्केट जिसको हमारे देश में याद रखना बेटा मुद्रा बाजार के नाम से जानते हैं उसको आरबीआई कंट्रोल करता है और एक बेटा सुना होगा आपने शेयर बाजार का नाम या उसको हम लोग कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं इसको कंट्रोल करता है कौन सेबी ओके okay? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा डी इज द थर्टी ओके अगला ध्यान से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है यह बता दो और साथ में मुझे यह भी बता दो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी कंट्री में है बेटा मनीष कुमार क्या कंफ्यूज हुए बताओ भाई जल्दी से कुमार बाबू वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा आकाश रहो कुमार जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग दे रहे हैं लेकिन दुरुस्त आ गए जल्दी से तो याद रखना यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली के सिक्योरिटी काउंसिल हैं वही इनकी नियुक्ति करते हैं और याद होगा बेटा सतम शुक्ला गुड इवनिंग द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है कहां पर दा हेग द हेग नीदरलैंड बेटा बहुत ही शानदार ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट वन बहुत ही आसान है द रेड क्लिफ़ लाइन वॉज ड्रॉन बिटवीन जो रेड क्लिफ़ लाइन है वो कौन सी दो कंट्री के बीच से होके गुज़रती है इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड चाइना इंडिया एंड म्यांमार या अफ़ग़ानिस्तान एंड पाकिस्तान रेड क्लिफ़ लाइन के बीच से जो गुज़रती है वो कौन सी दो कंट्री के बीच से होके बेटा गुजरती है मुझे बताओ बेटा सोलंकी करूँ ना गुड इवनिंग यस इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल का भी हेडक्वार्टर बेटा नीदरलैंड में है बिल्कुल नाइस गुड वेरी नाइस रवि अच्छा कोई इंडिया श्रीलंका भी बोल रहा है hey भगवान राम राम क्या होगा इंडिया श्रीलंका होगा याद रखा बहुत बहुत फेमस है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक लाइन है जिसको हम लोग देखो दो लाइन तो एक लाइन तो बहुत फेमस है जिसको हम लोग एल के नाम से जानते हैं और एक याद रखना एल कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भी लगातार न्यूज़ में है गलवाना डिस्ट्रिक्ट ठीक है और जो रेड क्लिफ है वो याद रखना इंडिया पाकिस्तान के बीच से होके गुजरता है ओके बड़ा ही प्यारा दुधबा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है और जहां भी है, मैं हिंट दे रहा हूँ जहां भी है याद रखना जहां भी है वो याद रखना सिर्फ इकलौता है दुदबा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है बहुत ही शानदार दुदबा नेशनल पार्क मुझे बताओ जरा जल्दी से कौन से स्टेट में है और जहां पे है इकलौता है याद रखना वेरी नाइस nice बेटा सिमरन मनीष प्रतिभा रवि दीपाली मिश्रा शंभुनाथ मेहता प्रकृति यती सुलबील कुमारी प्रतिभा प्रकृति अग्रवाल काजल चौहान उसके बाद मणिदीपा मंडल वेरी नाइस आंसर हमारा क्या हो गया तो आंसर हमारा हो गया क्या द आंसर इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश वेरी नाइस जिनको भी हमारे देश के सारे नेशनल पार्क याद हैं मैं फिर से कह रहा हूँ मैंने सारा कराया हुआ है ट्रिक के माध्यम से जिनको भी क्लास के बाद लिंक लेना है लिंक ले लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से और याद रखना सारा याद होगा ये मेरी गारंटी है ओके okay? चलो बहुत फेमस एक टर्म होता है बुली आपको बताना है इसका एसोसिएशन कौन से गेम के साथ रिलेटेड है क्या ये पोलो से रिलेटेड है क्या ये फुटबॉल से रिलेटेड है क्या ये हॉकी से रिलेटेड है और क्या ये बेलेट से रिलेटेड है बोली के साथ कौन सा गेम रिलेटेड है मुझे बताओ जरा जल्दी से बुली के साथ कौन सा बेटा रिलेटेड है बेटा आकाश राव कुमार याद रखना मैं इसीलिए बताता हूँ तो बहुत कुछ पता ही नहीं है आ, मंडे बेटा याद रखना मंडे को जैसे आज मंडे है ना याद रखना मैं आता हूँ सेवन थर्टी पर ठीक है और याद रखना थर्सडे को आता हूँ सेवन थर्टी पर दो दिन आता हूं स्टैटिक के लिए बाकी डेली मॉर्निंग में आता हूं बाकी डेली मॉर्निंग में आता हूं फॉर करंट अफेयर्स और बैंकिंग के लिए मैं आता हूं इलेवन थर्टी पर ओके चलो वेरी नाइस तो हॉकी से बेटा ये बोली रिलेटेड है ठीक है वेरी नाइस nice. अगला हम सभी को पता है कि बहुत एक फेमस सम्मान है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल गांधी प्राइज पीस प्राइज यानी कि विश्व में हम गांधी पीस प्राइज किसी भी विदेशी को देते हैं तो जो पहले सबसे पहले जिनको मिला था उनका नाम क्या है नैन्न मंडेला जी को मिला था एफ डब्ल्यू डी क्लार्क को मिला आंग सू की जो म्यांमार की समर्थक है उनको मिला या जुलिस के मैरी को मिला किनको मिला सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज और मुझे साथ में ये भी बता दो कौन से ईयर में तो और मजा आ जाएगा कौन से बेटा ईयर में याद रखना इनको मिला था 1995 फाइव में बेटा 1995 नाइनटी फाइव में मिला था इनको ये प्राइस ठीक है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टैक्स कौन सा ऐसा पार्ट है जो बेटा सेंट्रल टैक्स नहीं है मुझे बताओ जरा जल्दी से कौन सा सेंट्रल टैक्स पार्ट नहीं है भैया टावर तो बैटिंग कर लो सी एच एस एल का एग्जाम भी सामने है और सीजल का तो है ही है अच्छा तो सबने से मंडीला मार दिया नहीं ऐसा कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल टैक्स बेटा नहीं है तो याद रखना जो इनकम टैक्स होता है ये सेंट्रल है एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल है कस्टम ड्यूटी सेंट्रल है बट याद रखना जो सेल है जो अभी नहीं लगता है ये बंद हो गया क्योंकि अब हमारे देश में क्या आ गया है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि हमारे देश में याद रखिएगा एक जुलाई 2017 से लागू है ठीक है वन कंट्री वन टैक्स बेटा अगला बहुत ही आसान बहुत ईजी जी डी आर का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे बताओ जरा जल्दी से जी डी आर का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा एक बेटा होता है आई डी आर एक होता है जी डी आर और एक याद रखना होता है ए डी आर ठीक है एज ए फॉरिनर अगर मान लो हम इंडिया में हैं और हमको अगर फॉरेन में पैसा निवेश करना है थ्रू सेल्स के फॉर्म में तो याद रखना हमारे पास ऑप्शन है या तो जी का और या तो ए का अगर हमको पैसा रेज करना है अमेरिका में कहा में अमेरिका तो हम करेंगे वहां पर क्या ए अमेरिकन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसेप्ट ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या तो हम कहेंगे इंडियन डिपॉजिट तो आंसर हमारा क्या होगा आंसर हमारा हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्स बस यहां ग्लोबल कर लो या अमेरिकन कर लो और या तो इंडियन कर लो ओके ताबातौर पढ़ाई कर लो भैया समय बहुत कमजोर है मतलब समय बहुत कम है द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी कहां पर है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय मुझे बताओ जरा जल्दी से कहाँ पर है मुझे बताओ न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है मुझे बताओ जरा जल्दी से मुझे बताओ फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसका है और मुझे बताओ मनीला में किसका है और मुझे बताओ जनेवा में किसका है जल्दी से तो याद रखना यू एन ओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में ठीक है मनीला की बात करते हैं तो याद रखना एडीबी की बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं जिनेवा में तो इतने सारे मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं बहुत सारे जैसे कुछ फेमस अगर मैं बोलूं डब्ल्यू टी ओ कुछ मैं फेमस बोलूं तो डब्ल्यू एच ओ ठीक है और कुछ मैं फेमस बोलूं तो याद रखना इंटरनेशनल क्रॉस सोसाइटी का भी हेडक्वाटर कहां पर है जिनेवा में है बहुत सही शानदार कालिदास बहुत फेमस थे हम सभी को बता आपको बताने इसमें से उनकी कौन सी रचना नहीं है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कालिदास कहते हैं कदम्बरी मेघदूत शकुंतला रघुंपासा इनमें से रघुवासा इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है यस yes, nice. बेटा वेरी नाइस यूनेस्को बेटा पैरिस बहुत ही शानदार वेरी गुड तो याद होगा जो कदम्बरी है ये इनकी रचना नहीं है अगला स्वैथलिंग कप कौन से गेम से रिलेटेड है बैडमिंटन वोमेन टेबल टेनिस टेबल टेनिस वोमेन लॉन टेनिस किससे जुड़ा हुआ है स्वैंगलिंग कप बेटा वेदांत गुड इवनिंग देर से आए लेकिन आप याद रखना इसका आंसर हमारा होगा टेबल टेनिस मेन से ठीक है अगला द स्कीम योजना की बात कर रहा हूं सरल रूलर हाउसिंग लोन वॉज लॉन्च बाय ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि सरल ग्रामीण आवास ऋण योजना इंडिया में किस बैंक ने स्टार्ट किया था सबसे पहले बेटा सरल ग्रामीण आवास ऋण योजना कौन से बैंक ने सबसे पहले स्टार्ट किया था बेटा बहुत ही शानदार यस बेटा विशाल कलंबरी बान भट की है तो याद रखना इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था आई बैंक ने जो हमारे देश में माइक्रो स्मॉल मीडियम यानी कि जो लघु क्षेत्र होते हैं कुटीर उद्योग होते हैं उनको भी ये लोन दे रहा था बड़े आसान बहुत फेमस राजनेता है मुख्तार अब्बास नकवी आपको बताना है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उनकी जो कॉन्स्टिटेंसी है क्षेत्र जो है निर्वाचन क्षेत्र वो कौन से स्टेट में है बिहार मिज़ोरम जम्मू एंड कश्मीर या झारखंड और मुझे ज़रा वर्तमान में ये भी बताओ कि अभी वर्तमान में मुख्तार अब्बास नकवी कौन सा मंत्रालय संभाले हुए हैं याद रखेगा अभी ये माइनॉरिटी मिनिस्टर कहते हैं ना अल्पसंख्यक आयोग ये संभाले हुए हैं ठीक है और याद रखना ये जो जहां से चुनाव बेटा लड़ते हैं ये जहां से याद रखेगा चुनाव लड़ते हैं तो ये जो जो स्टेट है ना दोस्त उस स्टेट का नाम क्या है पता है उस स्टेट का नाम है झारखंड इज द राइट आंसर यानी कि बेटा याद रखना ये झारखंड से चुनाव लड़ते हैं इनकी जो कॉन्स्टिटन्सी है वो बेटा झारखंड है वेरी नाइस अवनीस गलती बेटा याद रखना इसका जो आंसर हमारा क्या है वो कहां से झारखंड से लड़ते हैं ठीक है अगला विच एमोंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है किसका हेडक्वार्टर लंदन में नहीं है ध्यान से किसका हेडक्वार्टर लंदन में बेटा नहीं है। आपको ये बताना जल्दी से देखो नब्बे लोग देख रहे हैं अगर थोड़ा सा जान लगा दोगे तो बहुत जल्दी ये वन फिफ्टी हो जाएगा और मैंने ऐसा वादा किया है अगर दो सौ पहुँच गया तो मैं वीक में चार टाइम आऊँगा ये मेरा वादा आप लोगों से है बहुत ही शानदार तो याद रखना जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये भी लंदन में है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये भी लंदन में है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये भी लंडन में लेकिन याद रखना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और एजेंसी बेटा याद रखना यह वियना में है यह लंदन में नहीं है बेटा वेरी नाइस बहुत ही शानदार अगला बहुत ही आसान मतलब ये लेमन चूस वाला क्वेश्चन है एकदम लेमन चूस वाला क्वेश्चन है ये एकदम आसान सा बच्चा वाला एकदम मतलब बच्चा भी इसको गलत नहीं करेगा गलत कर दिए तो भगवान भगवान भरोसे हिंदू होटल खुजराहो टेम्पल कौन से स्टेट में बिलोंग करता है खुजराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है मुझे बताओ ज़रा जल्दी से खुजराहो मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश या झारखंड वॉट इज द बेटर राइट आंसर मुझे बताओ बहुत ही शानदार नाइस nice. बहुत ही शानदार तो याद रखना ये बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में अच्छा मुझे बताओ अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से दो प्लेस हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया मुझे बताओ वो कौन से दो प्लेस हैं जिनको हेरिटेज साइट में अभी शामिल किया है रिसेंटली किसने शामिल किया है यूनेस्को ने मुझे बताओ जरा जल्दी से वो दो कौन से बड़े फेमस प्लेस हैं जिनको जो एमपी के ही हैं जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है बेटा बेटा कोई सुने विशाल गलत हुआ तभी तो सही होगा याद रखना ओरछा जो कहते हैं बेसिकली मंदिरों के लिए फेमस है और एक याद रखना ग्वालियर इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और याद रखना हमारे देश में अब जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं लगभग बारह अगला बड़ा ही आसान मैक मोहन मैक मोहन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्री कहते हैं कौन सी दो कंट्री के बीच से होके गुजरी है मैकमोहन लाइन इंडिया एंड नेपाल इंडिया एंड चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान या नेपाल एंड चाइना मैकमोहन लाइन कौन सी दो कंट्री से होके बेटा गुजरी है वेरी nice. नाइस बहुत ही शानदार बहुत शानदार जबरदस्त बेटा बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार वेरी नाइस nice. आंसर हमारा है इंडिया और चाइना यानी एक तो हमारा मैकमोहन लाइन हो गया और याद रखना एक हमारा कौन सा हो गया जो अभी लगातार चर्चा में है एल ए सी लाइन ऑफ एक्चुअल बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगला मुझे बताओ जरा जल्दी से फेमस एक पारादीप पोर्ट है बंदरगाह है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है उड़ीसा केरला गोवा या गुजरात याद रखना यही पारादीप पोर्ट अभी लगातार इस बार जो बजट आया उसमें चर्चा में भी रहा है जो पांच बंदरगाहों पे सरकार ध्यान देगी उसमें से एक ये भी है पारादीप पोर्ट वो कौन से बेटा स्टेट में है वेरी नाइस nice. बहुत ही शानदार और हां एक काम करना सभी लोग जरा एक्चुअली जिनका जिनका एग्जाम है जिनका सी का एग्जाम है या जिन्होंने फॉर्म भरा है सी का ठीक है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मुझे बता देना लिख देना फॉर्म फिल जो भी फॉर्म भरे उनका नाम लिख देना तो मैं एक स्पेसिफिक सेशन लेके आना चाह रहा हूं दो घंटे का ताबड़तोड़ 200 क्वेश्चन कैसा रहेगा बताओ दो घोट दो घंटा दो सौ क्वेश्चन मुझे बताओ कैसा रहेगा स्टैटिक, जिसमें क्या करेंगे पिछले दो सालों में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग तो जरा उस पर भी एक बार चर्चा कर ले छूटना नहीं चाहिए है ना कैसा रहेगा मुझे बताओ तो याद रखना यह बेटा उड़ीसा में है यह जो बंदरगाह है पारादीप पोर्ट वो कहां पर है याद रखना यह बेटा बंदरगाह उड़ीसा में है अगला कोटेश्वर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विथ रिवर एंड इज लोकेटेड इन विथ स्टेट ऑफ इंडिया भागीरथी एंड उत्तर प्रदेश भागीरथी एंड उत्तराखंड बेटा यहां पे नहीं इस वीडियो के नीचे जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा ना तो इस वीडियो के नीचे बेटा कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है यहां नहीं लिखना है ठीक है मैं वीडियो के बाद देख लूंगा कमेंट बॉक्स में ठीक है जिनका भी एग्जाम है वो सभी लोग लिख देना ठीक है बेटा राजेश जी जो भी एग्जाम आपका है जो भी आपका एग्जाम है उसको आप यहां डाल दीजिए ठीक है इस वीडियो के नीचे डाल देना ठीक है तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा भागीरथी और उत्तराखंड ठीक है अगला बहुत फेमस है सिद्धि विनायक टेम्पल गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी यह भारत के कौन से प्लेस में स्थित है मुंबई कोलकाता मदुरई या दिल्ली कौन से स्थान पर सिद्धि विनायक टेम्पल है बेटा बहुत फेमस है दिल्ली मदुरई कोल दिल्ली में याद रखना अक्षरधाम बहुत फेमस थैंक यू बेटा कीर्ति थैंक यू याद रखना सिद्धि विनायक फेमस बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस सारे लोग वहीं जाते हैं तो कहां पर होगा मुंबई में होगा अगला बड़ा ही आसान मुझे बता दो जरा जल्दी से टीचर्स डे हम लोग किन की याद में मनाते हैं मुझे बताओ हमारे देश में कब कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है और साथ मुझे बताओ कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं वो मुझे बता दो जरा जल्दी से हम लोग कब मनाते हैं बहुत शानदार बहुत शानदार वेरी नाइस जगदीश विशाल वेदांत स्वाति आरोही उम्र दास रिचा त्रिपाठी आ, उसके बाद प्रति बेटा सेशन को लाइक भी कर दो सभी लोग जल्दी से फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई पैसा नहीं लगता फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बार जरा सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दो सारे मेंबर काजल सरोजनी बेटा उसके बाद आकाश राव सचिन पाल अंकित दीपाली रोहित वेरी नाइस nice बेटा यस yes, मदुरई बोले तो मीनाक्षी टेम्पल बहुत फेमस यस yes, हमारे देश के सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा किसन जी पांच अक्टूबर को पांच सितंबर को मनाते हैं टीचर्स डे पता होगा और पांच अक्टूबर को मनाते हैं याद रखना वर्ल्ड टीचर्स डे पांच अक्टूबर को मनाते हैं याद रखना वर्ल्ड टीचर्स डे बेटा मनाते हैं ठीक है वेरी नाइस nice. अगला एक बड़ा फेमस कलेक्शन है आपको पता होगा पोएम की कविताओं का संग्रह बीजक सुना होगा आपने आपको बताना ये जो कलेक्शन है ये किन का है कबीर का रविदास का या सूरदास का ये जो बीजक है बेटा ये किसका संग्रह है तो याद रखना जो बीजक है ये बहुत फेमस कहते हैं संत कबीरदास बड़े मिस्टिक संत माने जाते हैं जिनका जो कहते हैं बेसिकली कि 1440 से लेकर पंद्रह अठारह तक इनकी आयु रही थी संत कबीर दास अगला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज द इएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हाइस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ रुपीज जैसे नहीं सुनते हैं आप लोग एक डॉलर ले लो तो रुपीज कितना रहती है तो आपको बताना है डॉलर हो गया येन हो गया मार्क हो गया पाउंड किन की रुपीज की कमीशन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा है वेरी नाइस बुटा बहुत ही शान वेरी नाइस nice. तो याद रखना सबसे ज्यादा जो महंगा है वो बेटा पाउंड है जिसको हम लोग याद रखना स्टर्लिंग के नाम से भी जानते हैं मोहन बगान बहुत फेमस है इंडिया में आपको बताना है कि ये जो टीम है वो किससे रिलेटेड है क्या ये क्रिकेट से रिलेटेड है क्या ये हॉकी से रिलेटेड है और क्या ये फुटबॉल से रिलेटेड है और या तो ये कबड्डी से रिलेटेड है मोहन बागान एक प्रसिद्ध टीम है जो कि बताना है आपको ये किससे बेटा रिलेटेड है बहुत ही शानदार बहुत फेमस कोलकाता की टीम है ठीक है दिस इज कॉल मोहन बगान कहते हैं द मुगल रोड प्रोजेक्ट वुड इन लिंक जो मुगल रोड परियोजना है वो कौन सा है हमारे देश में दिल्ली एंड सूरत वाला रोड लखनऊ एंड पटना वाला रोड इलाहाबाद से लेकर अहमदाबाद वाला रोड या पठानकोट से लेकर श्रीनगर वाला रोड मुगल रोड परियोजना को जोड़ने वाला जो दो रोड्स हैं वो कौन से दो स्टेट से बिलोंग करती हैं कहाँ कहाँ से यस yes, बेटा विशाल पटोल ठीक है <laughs> तो याद रखिएगा पठान को श्रीनगर के बीच में होके गुजरती है इसी को कहते हैं मुगल रोड अगला द स्कल्पचर विथ थ्री फेस ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश नोन एज त्रिमूर्ति इनका जो फेस है इनके बारे में जो कहाँ पर है ब्रह्मा विष्णु और महेश के तीन चेहरों वाली मूर्ति जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है कहाँ पर प्रकट होता है अजंता की गुफाएं बेटा एलोरा की गुफाएं कालवा गुफाएं या एलिकेंडा गुफाएं मुझे बताओ बहुत फेमस एलिफेंटा केव अच्छा मुझे बताओ जो ये एलिफेंटा केव है ये कहां पर है जो एलिफेंटा कैब है मुझे बताओ ये कहां पर है महाराष्ट्र कहां पर महाराष्ट्र बेटा बहुत ही शानदार न्यू मोर दीप एक आइसलैंड है और एक बहुत पुराना इशू है इसके साथ ये कौन सी दो कंट्री के साथ चला रहा है लगातार इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश या इंडिया एंड श्रीलंका नई मोर दीप के बीच संघर्ष चल रहा है लगातार ये कौन सी दो कंट्री के बीच में लगातार बेटा चल रहा है मुझे बताओ तो याद होगा ये वही कंट्री है जिनकी आर्मी स्वाल छब्बीस जनवरी को हमारे देश में परेड में शामिल हुई थी आंसर उसका होगा इंडियन बांग्लादेश अगला कहते हैं हमारे देश में पहली बार इंडिया ने कैरी आउट किया फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ पर भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट किया था कहाँ पर खेमकरन पोखरन ट्रॉम्बे या थुम्बा वॉट इज द बेटा राइट आंसर विमल संतोष आरोही विशाल प्रकृति दीपाली वीरेंद्र आलोक राज प्रतिभा अंकित भावना शिवा वेरी नाइस बहुत ही शानदार बेटा तो भाई ये तो बहुत फेमस था अटल जी के सामने पोखरन में अगला आयरन आर माइंस जो बेसिकली लोहे की खदाने होती हैं आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लेसेस बोकारो बालाघाट हजारीबाग सिंहभूम मंगियार सिंगेरी झरिया रानीगंज वर्धा सिंहभूम मयूरभंज या कौड़ लो या खानों स्थानों की इनमें से कौन सा स्थित है लो की जो खदानें होती हैं वो किन से स्थित है बेटा ध्यान से देखो जरा बहुत ही शानदार तो याद रखना सिंहभूम मयभंग एंड ये बिल गेट्स कौन से कंपनी से रिलेटेड है ये तो शायद इतना आसान है गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल कंपनी आयरन स्टील कंपनी पेट्रोलियम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिल गेट्स के जो जुड़ा है नाम वो तो कौन सी कंपनी के साथ इसका नाम जुड़ा है तो याद रखना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत फेमस माइक्रोसॉफ्ट द लास्ट नवाब ऑफ अवध वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध वॉज क्या है उनका नाम मोहम्मद अली शाह वाजिद अली शाह नासिर उर्दीन, नसरुद्दीन अवध के आखिरी नवाब कौन थे मोहम्मद अली शाह वाजिद अली शाह बेटा निधि गुप्ता गुड इवनिंग बहुत लास्ट में आए ठीक है तो याद रखिएगा वाजिद अली शाह को बेसिकली अवध का लास्ट नवाब का अवध मतलब हो गया बात यूपी उधर लखनऊ विच ऑफ द करेक्ट ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप कहते हैं खरीफ क्रॉफ का इसमें से सही समायोजन क्या है राइस मिलेट मेज कॉटन ज्वार बाजरा राइस पता होगा ना दो सीजन होती है खरीफ और रवि तो याद होगा राइस मेज बाजरा मक्का कपास चावल बाजरा मक्का कपास ये सारी बेटा याद रखना रवि की फसलें हैं झांसी वॉज एनेक्सड टू द ब्रिटिश इंडियन टेरिटोरी इन 1854 फिफ्टी अंडर द झांसी के तहत अट्ठारह सौ चौवन में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था सब्सिडरी अलाइंस के तहत म्यूचुअल अग्रीमेंट के तहत या पैसेज ऑफ सेपरेट चार्टर के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत चूक का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स तो जैसा भी आपको सेशन लगा मुझे जरूर बताएं और जो भी सेशन में पहली बार जुड़े हैं इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए इसका नाम इसका इसका इस ग्रुप का पर्पस ही है कुछ भी डाउट है अगर मान लो जीए में या कुछ भी अगर डाउट है मान लो जी में तो यहाँ पे आपको सलूशन मिलेगा और याद रखना मैं डेली मॉर्निंग में क्लास कराता हूँ यूट्यूब पर करेंट अफेयर्स की और बैंकिंग की एलेवन थर्टी पर जुड़ना ना बोलें ठीक है और अगर सेशन पसंद आया तो इसे ज़रूर एक बार लाइक करें ज़रूर एक बार कमेंट करें शेयर करें और हाँ सभी लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हाँ अगले थर्सडे को याद रखना मैं लेके आ रहा हूँ साठ मिनट और धमाकेदार साठ एम सी क्यू तैयार रहे ना सभी लोग ठीक है थैंक यू टू ऑल टेक केयर बाबा हमेशा खुश रहें एंजॉय रहे और हमेशा लाइफ में ग्रो करते रहिए गुड नाइट टेक केयर बाबा थैंक यू और हाँ सभी लोग अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओके और जिनका भी आज फर्स्ट क्लास है एक बार जुड़िए आपको एहसास होगा कि मैं इस एक घंटे में क्या क्या दे के जाता हूं